भगवान के सामने दर्शन करो। 101% लाइफ के अंदर कभी D3 के शैशे नहीं खाने पड़ेंगे। यो यूजली हम हर 15 दिन में खाते हैं और वो खाते रहते हैं, उसका कोई उपचार नहीं है। वो सिर्फ एक कमी को पूरा करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को, दिनचर्या को अगर हमने चेंज नहीं किया, वी मे पुट आवरसेल्फ इन द सेम कंडीशन थ्रू आउट द लाइफ। ये दिनचर्या चलती रहेगी, स्पेशली फॉर वुमेन्स, इनका कैल्शियम बहुत जल्दी से डिस्टॉर्ट हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम आ जाती है, क्रैम्प जिसको एथन कहते हैं, वो रात को जो है नर्व जो है सूपर जाता है, नस्ट चढ़ जाना, जहाँ क्रैम्प आ जाना, जहाँ चक्कर आ जाना। समटाइम वी पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस चक्कर इज कीप ऑन कमिंग। इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन। जब तक विटामिन डी नहीं होगा, कैल्शियम कितना भी खा लो, भोरी भर के कैल्शियम खा लो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन बॉडी अंटिल और लेस पर्याप्त मात्रा में विटामिन D3 नहीं होगा। D3 को लाने के लिए आप मात्र वेरी सिंपल, सुबह जल्दी उठें, सूर्य भगवान के दर्शन करें और इसी से ही विटामिन D3 1 मिनट बेटा सूर्य भगवान के दर्शन बिल इक्वल टू ए 1 वीक विटामिन D3 आपके पास आ जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड, 1 मिनट अगर मैं चढ़ते सूरज 10 बजे से पहले का सूर्य भगवान को अगर देखूं, स्पेशली जब सूर्य भगवान बिल्कुल ब्राइट गोल्डन कलर के, ऐसे लगता ऊपर सोना गोल्डी गोल्ड होगा, उस वक्त अगर आप दर्शन कर लें और मन के अंदर भाव ये लाएं कि जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है, ऊर्जा इज आल्सो फ्लोइंग द सेम वे लाइक द सन इज राइजिंग, एंड दिस इज अ वेरी क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ द रेकी इटसेल्फ। इट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो एक्सचेंज का विधाता, जहां से सारे ब्रह्मांड को एनर्जी आती, उससे एक्सचेंज एनर्जी हम तक आ रही है, प्रोवाइडेड अगर हम अपना टाइमिंग ठीक कर लें। और अगर टाइमिंग हमारा ठीक हो गया, मोर और लेस हम इतनी सफिशिएंट चीजें खाते हैं, अगर नेचुरल डाइट हम अपना फास्ट फूड को थोड़ा कम कर दें तो इतना सफिशिएंट खाते हैं कि एक एक हमारी 30 से लेके ऑनवर्ड वाले लोगों को कभी भी सिंथेटिक कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो एक्सेसिव कैल्शियम खाते हैं उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई कार्डियक जिसका चल रहा हो तो सबसे पहले जो मेडिकेशन दी जाती है, दैट मेडिकेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम मे सीज द मसल ऑफ द हार्ट, सिंथेटिक। शहजन ड्रमस्टिक अगर एक खा ले तो मेरे ख्याल में 1 किलो गोलियों के बराबर हो जाएगा। 1 सिंगल ड्रमस्टिक डू हैव ए पावर टू कंपेयर विद द कैल्शियम ऑफ 1 किलो टैबलेट ऑफ द कैल्शियम, सिंथेटिक कैल्शियम टैबलेट। शहजान जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं और बॉटनी में इसको, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको मोरिंगा ऑलिफरा, आम पेड़, ये पेड़ जगह जगह पे लगा, उसके पत्तों को तोड़ के जो थोड़ा सा उसको सुखा लें, आटे में गूंद लें, जो लोग नहीं खाते जैसे हम मूली के पराठे खाते हैं, ऐसे इसके पराठे, पराठे नहीं इसकी रोटी बना के खा लें, इसके फूलों के पकौड़े तक बनाते हैं, सच ए वेरी टेस्टी। You can make a sabji of that. Even in South India, sir, is very much with us. I think there is hardly any preparation जिसमें drumstick नहीं डालते हो, right sir? More than 20% calcium is there in a drumstick if you compare with the milk. और अगर milk ही लेना तो it should be a cow milk, जिसमें देसी गाय का milk, otherwise plant based milk. Either you can go for तिल का दूध, सोयाबीन का दूध, नारियल का दूध, मूंगफली का दूध, दीज ऑल आर प्लांट बेस्ड दूध विच डू हैव ए वेरी गुड कैल्शियम कंटेंट विच कैन इजीली डाइजेस्ट, कैन बी पॉसिबल टू डाइजेस्ट बाय आवर स्टमक। नाउ लेट मी गो एज फार एज माय सब्जेक्ट कंसर्न, मुद्रा थेरेपी। वी
come up with the one new invention of the mudra therapy, and that mudra therapy is, that particular mudra is dedicated for vitamin D. And it is a very simple. Subah naha ke agar aapki body jitni expose hai sun ko utna acha rahega. The very first thing after giving a water or pani arpan karne ke baad, pani arpan karne se aap kar rahe hain to aapki aankhein khuli honi chahiye. It should be as wide as possible, and wo jo pani gir raha hai us आंखें उनमें क्रॉस करती हुई सूर्य भगवान पे देखें, उससे यह हो जाएगा कि आपकी आंखों में की रोशनी भी अच्छी हो जाएगी एज वेल एज ये कैल्शियम होगा. देन आफ्टर डूइंग दिस फर्स्ट मुद्रा, इट इज अ दिस मुद्रा इज कॉल्ड विटामिन डी थ्री मुद्रा. इट इज अ कॉम्बिनेशन इनफैक्ट ऑफ थ्री मुद्रास, एंड दीज थ्री मुद्रा आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए होल. दैट इज कॉल्ड विटामिन डी थ्री मुद्रा, बट separate, all that mudra do have their name. Very first mudra is, this is where I am joining both the hand which represent the five tattva. Panch mahabhut hai ye. God has given a five finger not only by chance. God has created this creation with a very very strong scientific vajah. Panch tattva, panch mahabhut hai ye. You can control, you can balance your entire body with the positioning of these five fingers. It is not a something which has given, aise nahi hai. It has a very scientific, abhi time kam hoga, isliye main scientific elaboration nahi karunga, thodi si karunga, but it do have a scientific content. It regulate our nervous system, which is then regulate our hormonal system. Once our hormonal system get regulated, our immunity will get automatically. That's why we used to say God has given us such enormous power in our body to cure our own body with its own rog pratirog shakti. Bhagwan ne hamare sharir ko diya hai, aur ye rogan koi bhi kitna bhi ghanisht rog ho, ye main hindi ka word कोई भी रोग हो, ये हमारी अगर इम्यूनिटी ठीक है उसको ठीक कर सकती है बिना किसी एक्सटर्नल, बिना किसी सिंथेटिक चीज के. इतनी पावर है इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए. ये मुद्रा बहुत बड़ा काम, जैसे मैंने फोल्ड किया, देयर आर सम नर्व्स व्हिच गोस टू द अटैच टू द स्पाइनल कॉर्ड ऑन माय vertebra, especially on my cervical region, and that spinal cord आगे जाके regulate करती है hypothalamus part of my brain, and hypothalamus part of the brain secrete some neurochemical, especially serotonin, dopamine, endorphin, oxytocin. जब ये पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में आ जाते हैं, obviously I start feeling myself good. इसीलिए कहा जाता है meditation करने से पहले put yourself on ज्ञान मुद्रा. Why only ज्ञान मुद्रा? There is a scientific logic behind मोक्षा की प्राप्ति करने के लिए, अध्यात्म की सबसे supreme power तक जाने के लिए more or less हम ज्ञान मुद्रा का ही इस्तेमाल करते हैं. भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया, ही हिमसेल्फ पुट हिमसेल्फ ऑन दिस ज्ञान मुद्रा टू गिव द उपदेश ऑफ गीता टू अर्जुना. अगर ध्यान से कहीं फोटो में देखना तो ही भगवान खुद ज्ञान मुद्रा, भगवान शिव हुज द फाउंडर ऑफ, हुज द इन्वेंटर ऑफ दिस मुद्रा थेरेपी, यूज्ड टू पुट साधना में जब भी बैठते हैं तो ऐसे करते हैं. बिकॉज एज आई सेड इट शुड बी अ वेरी सॉफ्ट टच, कोई दबाना नहीं है, इट हैज टू बी वेरी फेदर टच. बहुत जैसे पंख का स्पर्श होता है वैसे टच करना है, ऐसे करके चेंजेस होते हैं. दिस इज अ वन इंसिडेंट. लेट मी गो बैक टू द ज्ञान विटामिन डी थ्री मुद्रा, और यू कैन पुट इट विटामिन डी मुद्रा.
the both the panch tattva you are going to join and like this way. See the positioning of your this hand is very much on the center of your heart, that is touching your this thumb, both the thumb on the, which gland is on this particular part? Any idea? Thymus. जब भी कोई बेहोश होता है उसके बटन खोल के उसको रब कर दिया जाता है. Thymus is another very important gland for as far as the lymphatic system concerned, or in other language, अगर आपकी immunity system अच्छा करना है तो thymus has to be on a very conventional medical उसमें ये thymus is not working after one particular age. 15 साल की उम्र के बाद ये thymus काम नहीं ज्यादा करता. लेकिन नहीं, हमारे acupressure में, हमारी holistic therapy में thymus is the most important, another important as spleen, as important as tonsil, as important as thyroid, parathyroid. So this is a very important gland. So when you are doing this Namaste Mudra, your hands, your this thumbs are touching to your Anahat Chakra, Ananda Chakra. Which chakra? Madam, you know. All Jain people do have 13 chakra instead of 17 chakra. So they even hum bhi Anahat Chakra, Ananda Chakra. हमने अपने अनंत चक्रा को एक्टिवेट कर दिया बाय जस्ट सिंपली वेरी सॉफ्ट प्रेसिंग. देन योर हेड इज गोइंग फ्रंट, आपका आपका जो सिर का झुकाव है आगे. जब मैंने ऐसे करके झुकाव दिया एंड आई एम टचिंग माय ऑल द फाइव तत्वा टुगेदर और मेरी हेड की पोजीशन ऐसे है, हुआ क्या, द सर्कुलेटरी सिस्टम स्पेशली ऑन माय दिस रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन इनहांस्ड, बढ़ गया. जैसे ही बढ़ा मेरे अंदर भाव चेंज, मेरे जो हार्मोनल भाव, क्या हार्मोनल, एंडोक्राइन इज ए भाव, मेरे भाव चेंज हो गए. फर्स्ट मुद्रा इज दिस इज कॉल्ड नमस्ते मुद्रा. आपने पानी दे दिया, देन आपने वो उसको साइड में रख के फर्स्ट इज दिस भगवान को थोड़ा सा आराधना, थोड़ा सा मन के अंदर उस सूर्य भगवान के प्रति अपने भाव लाओ. देन इस हाथ को फिर आगे लाए, देन दिस इज कॉल्ड लोटस मुद्रा और पंकज मुद्रा, विच इज अ वेरी वेरी गुड मुद्रा फॉर द वुमेन्स. द वुमन हैविंग ए प्रॉब्लम विद द लिपोरिया और मेनी यूट्रस प्रोलैप्स और some menses problem, they will get by simply practicing this particular mudra. You can understand how exactly I am doing. And this mudra is very much look like a lotus, kamal ka phool, jo kitna bhi keechad ho, usse nikal ke wo upar aa jata hai. It is a something like that. Very first is namaste, followed by pankaj mudra, and from here you are twisting your hand like this. अब ये दो बोथ द हैंड गेट क्रॉस, फिंगर गेट क्रॉस. नाउ यू फोल्ड इट, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर को ऊपर करना और थंब को. नाउ दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल. नाउ ट्राई टू सी द सन इन दिस ट्रायंगल एंड सी द डिफरेंस. अब सूर्य भगवान को इस ट्रायंगल के बीच में देखना है. पुट योर मैक्सिमम कंट्रोल to see the sun, entire sun in this particular triangle and see the magical changes, miraculous changes after few days. Your calcium level will go up, your vitamin D3 without any sachet, you need not to go for any sachet. Sachet means वो दवाई देते हैं 15 दिन में एक बार खाना, hardly any need to put. एंड इसके साथ अगर और वॉक किसी का बहुत कम हो गया हो तो देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस व्हिच मे कम अप. तो वो कॉम्प्लिकेशन को डूइंग ए थ्री मुद्रा, वन इज द नमस्ते. जब नमस्ते हम किसी को करते हैं लाइक दिस वे,
मेरे मन के अंदर जब मैंने किसी को नमस्ते की तो करुणा की भावना आई, मेरे मन के अंदर ईगो शेडिंग की भावना आई, मन के अंदर मैं नहीं हूं इसकी भावना आई, क्योंकि मैं झुक गया और जो झुका हुआ आता है वो उतना ऊपर आता है। बांस का पेड़ जैसे हवा आती है ऐसे ऐसे उठता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जो अकड़े रहते हैं ना वो उखड़ जाते हैं। सेम चीजें इसी में, इट इज समथिंग बिकॉज वी डू बिलीव, हम जिस परिवार से, एक्यूप्रेशर परिवार या होलिस्टिक थेरेपी के परिवार से है, जहां हमने लोगों का फिजिकल बॉडी के साथ तो उनको बैलेंस करना ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बैलेंस देयर मेंटल और इमोशनल इंबैलेंस, जो भावनात्मक तौर पे जो चेंजेस उनमें आई हैं, जो मानसिक तौर पे जो चेंजेस आई हैं, उसको भी आपने बैलेंस करना है। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों का भी ध्यान दें। अगर कोई इस तरीके से बैलेंस हो जाता है तो 80% of the problem will be sorted out there and then without even putting any point on the body of the person. उसकी इस टाइप से अगर आपने बात किया और रिलेशनशिप, नेक्स्ट टाइम कभी मैं सर से गुजारिश करूंगा हाउ टू डू एक्सीलेंट, कैसे हम अपने आप को बढ़िया करें, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, how to make a good relationship with the patient and the therapist or the healer, what are the things, what are the necessities which are required to maintain, to make a good relationship, how to make it different। तो ये किसी next time अगर सर से गुजारिश करेंगे कि topic वो, ताकि अलग अलग technique हम सब share करें कि कैसे कैसे हम इन प्रैक्टिस, इन थेरेपीज को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, निखार ला सकते हैं, कैसे हम नए अपनी अपनी टेक्निक, आप साइंटिस्ट हो, यू आर नॉट लेस देन एनीबॉडी एल्स, यू हैव अ कैपेसिटी टू डेवलप योर ओन वे टू ट्रीट ए पर्सन, बिकॉज यू नो द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। Once you have this thing, obviously you can do a wonder. Not only here, but entire world is ready to follow you people. Pura duniya tayar baitha hai aap logo ko follow karne ke liye. Provided you should come up something new, something innovative, something very effective, something which is jo abhi ho raha hai, ya jis technique se chale hain, थोड़ा सा अपना ऐड करके उसको, बेस वही रहेगा, लेकिन यू नीड टू ऐड अप समथिंग, देन ओनली यू कैन सी द चेंजेस। सो दिस इज अ विटामिन D3 मुद्रा व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। माय हंबल रिक्वेस्ट इज एट लीस्ट एज ए हीलर इट इज माय ड्यूटी, अगर मैं दुरुस्त हूं, मैं ठीक हूं, मेरी बॉडी शेप में है, तभी मैं किसी का इलाज कर सकता हूं। अदरवाइज I think you must agree with me, a therapist has to be a fully physically, mentally, emotionally, socially, financially balanced, और अगर वो balance होता है उसकी practice में देखना कितना changes होता है। Without doing anything people start following you, लोग आते हैं उनको सुनते हैं, उनको follow करते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को ये करना है, put example, अपनी एग्जाम्पल खुद बनो, तब लोगों को बताओ, एहसास करो, फील करो, चेंज देखो कि मैंने ऐसा किया, तब जाके विटामिन D3 ऐसा हुआ। यू शुड डू सर, एक मिनट की बात है, एक मिनट के अंदर विटामिन डी इतना आ जाएगा दैट एक हफ्ते तक आपको जरूरत पड़ेगी, और उस टाइम मन के अंदर जो भाव चेंज होंगे दैट विल बी डिफरेंट। ऐसा बात करने पे उसका जो 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 पेशेंट या जो पर्सन आपके पास मदद के लिए आया या आपसे ट्रीटमेंट के लिए आया, उसके भाव टोटली चेंज हो जाएंगे, वो आपको फॉलो करेगा, आपने कुछ भी बोला ही इज रेडी टू फॉलो। ये तभी पॉसिबल है जब हम उन सब चीजों को अपने पे उतारें, अपने आप को पहले बढ़िया से दुरुस्त करके, एग्जाम्पल नीड टू बी सेट, एंड आई होप सो कि हम सब
We are here to put to become a role model for the many, many people. Do you agree with this? Yes. You have to be a role model. This is something which is required to be done. Many people are ready to follow. Even myself is ready to follow. You need to do that. You need to prove that. And that will be a very good. So this is ek mudra. Ek mudra. Sir, timing kitna rahega sir? Timing, I said 1 minute is quite sufficient. 1 minute will give you a ek hafte ka vitamin D aapko de dega Surya Bhagwan. Ek minute, 1 hafta will give you a that kind of vitamin. Hota kya hai jab skin pe jaate hain? Main aapko melanin, meri skin ka color because of there is a pigment and because of that meri skin ka color aisa. और दिस अगर जिनके पास ये हम सब में ये जिनका ये पिगमेंट खराब हो जाता है और वो पिगमेंट की एक बीमारी भी आ जाती है वो लीड्स टू ए वेरी कॉमन बीमारी दैट इज कॉल्ड लिपोडर्मा. लिपोडर्मा में क्या होता है वाइट वाइट हो जाता है क्योंकि मेलानिन जो है वो खराब खत्म हो जाता है जब किसी तरह से वो इनएक्टिव हो जाता है. अब ये क्या करता है सूर्य भगवान की रोशनी जब बॉडी में पड़ती है ये मेलानिन जो है उसको सोख लेता है एक्टिवेट जहाँ जरूरत जब जरूरत होती है वो जो है कैल्शियम को सोख लेगा. कैल्शियम आप जितना भी खा लो कैल्शियम तब तक नहीं अंदर जाएगा जब तक विटामिन डी नहीं होगा. सेम उस तरह से आयरन में कितनी भी गोलियाँ खा लूँ जब तक विटामिन सी नहीं होगा कोई फायदा नहीं होता. इट्स नॉट यूजलेस वो साइड इफेक्ट. तो दिस आर द कॉम्बिनेशन. जब तक चीनी पत्ती नहीं होगी तो चाय थोड़ी बनेगी. चाय तो तभी बनेगी जब ये सब होंगे. सिंपल वेरी सिंपल. आई डू हैव चीनी पत्ती पानी दूध है गैस नहीं है चाय इल्ला सर चाय नहीं बनेगी बिकॉज दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. सेम उस तरह से बॉडी को अगर मेरे को आयरन चाहिए तो विटामिन सी इज रिक्वायर्ड. अगर विटामिन सी नहीं है तो आयरन नहीं होगा. आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन गड़बड़ मेरे को ऊंची ऊंची सफोकेशन होगा सांस गड़बड़ होगी मेरा रंग का कलर और होगा जॉइंटिस का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे. मेनी मेनी थिंग्स आर देयर इंटर रिलेटेड थिंग्स आर देयर. सो इट इज अ 1 मिनट शो. इवन जब आप जाओगे तो ऑब्वियसली आई एम 100% श्योर जब आप सुबह सूर्य भगवान के दर्शन करने जाओगे तो 1 मिनट में वापस नहीं आओगे. द मोमेंट जब वो सूर्य भगवान उगते हुए सूरज को आप देखोगे आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे. आप घंटों उसको देखना पसंद करोगे उस नजारे को देखना पसंद करोगे. एक बार एक मिनट करके दिखाएंगे सर इवन अगर नहीं ये आ रहा तो भगवान को देखो कैसे कैसे ऊपर जा रहे हैं एंड फील जैसे जैसे ग्रो हो रहे हैं आल्सो ग्रोइंग जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहे जैसे एनर्जी जा रही है. आई एम आल्सो एनर्जी इज आल्सो फ्लोइंग इन माय बॉडी एंड एनर्जी इज सच अ स्ट्रांग एनर्जी. आई एम अ फीलिंग एनर्जेटिक जैसे जैसे आई फील करने ये हार्मोनल चेंज. दिस इज कॉल्ड हार्मोनल चेंज. हार्मोन इज नथिंग इट इज अ फील. आपके भाव मैं दुखी हूं तो मेरा भाव मेरा हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. मैं किसको ब्लड करूंगा क्योंकि मेरे बॉडी का हार्मोन ये बढ़ा हुआ. आई एम हैप्पी बिकॉज ऑक्सीटॉक्सिन एंड ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ा हुआ. मेरे को नींद नहीं आ रही तो मे बी सेरोटोनिन दैट इज अ सेरोटोनिन वो गड़बड़ है. हार्ट मेरा कम काम कर रहा था डोपामिन गड़बड़ हो रहा. आईसीयू में जो लोग होते हैं वहां पे एक मशीन होती है दैट मशीन इज कॉल्ड सिरिंज पंप. सुना नाम सिरिंज पंप होता है. आईसीयू में जो लोग होते हैं उसमें एक वो होता है जो बेहोश होते हैं उसमें एक अटक जा रहा होता है दैट इज अ डोपामिन ताकि उनका हार्ट वर्किंग करता है. अब आ गया एंडोर्फिन. मेरे को किसी ने ऐसे मारा मैं जाके गोली खा लिया दैट इज फटाफट. मेरे को किसी ने ऐसे मारा मेरे को पेन हुई बॉडी गेट ए सिग्नल कि मेरे को यहाँ पेन हो रही है. बॉडी ने पेन किलर वहां से निकाला दैट पेन किलर इज कॉल्ड एंडोर्फिन. एंडो प्लस मॉर्फिन. मॉर्फिन क्या होती है जी आपने सुना होगा पंजाब वाले पेन किलर मॉर्फिन. मॉर्फिन मॉर्फिन का मैं देसी नाम मॉर्फिन इज समथिंग लाइक अफीम. पीपल हम क्या होता है ये
ये सिंथेटिक पेन किलर है। बॉडी हमारी ऐसे एंडोर्फिन अंदर से बॉडी के अंदर बना हुआ पेन किलर इज कॉल्ड एंडोर्फिन। जब ये पर्याप्त मात्रा में होता है तो हमें किसी छोटी मोटी बहुत ज्यादा पेन जो करने वाली चीजें हैं वो नहीं महसूस होती, क्योंकि बॉडी अपने आप एडॉप्ट कर लेती है कि पेन हो रहा है, इस टाइप का हार्मोन निकले सो दैट मेरे को पेन ना। ऑक्सीटॉक्सिन मैंने बोला, ये ऑक्सीटॉक्सिन जिनका ऑक्सीटॉक्सिन नहीं गड़बड़ है ना, दे लव टू सिट इन अ डार्क रूम, किसी से बात नहीं करना, ग्लूमी सैडनेस, दिस इन अ लिटिल लैंग्वेज दिस ऑक्सीटॉक्सिन इज कॉल्ड लव हार्मोन, दिस इज कॉल्ड लव हार्मोन। जिनका ऑक्सीटॉक्सिन गड़बड़ होता है उनका जो जो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है आ जाती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आवर होलिस्टिक थेरेपी डू हैव अ वाइड प्रोस्पेक्ट टू क्योर हिम और हरसेल्फ विदाउट एनी सिंथेटिक ड्रग। ऑक्सीटॉक्सिन का ही टीका है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है, जब जन्म देने से पहले उनकी बॉडी में ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ जाता है और ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ जाता है तो माँ बच्चे को दूध पिला पाती है। जिनका कम होता है या नहीं होता, आपने देखा कई माओं को ये दिक्कत आती है कि दूध नहीं आ रहा, दूध नहीं आ रहा, इट इज अ हार्मोन, विच हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन इज अ लैकिंग। ऑन द अदर साइड मैंने भैंस रखी, गाय रखी, मैंने ऑक्सीटॉक्सिन का टीका गाय को लगा दिया, एक गाय जो 2 किलो दूध देती है और 10 किलो दूध देगी, एक गाय जो 2 किलो दूध देती है नॉर्मल कैपेसिटी में विच वी आर टेकिंग, दैट गाय इज नाउ स्टार्ट गिविंग 10 किलो दूध बिकॉज ऑफ दैट इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। मैंने दोनों पहलू बताए कि कितना लोग मिस यूज भी कर रहे हैं और अगर जब ये बॉडी में नहीं होता तो कितनी दिक्कतें आती। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द नेचुरल थिंग, दीज आर द न्यूरो ट्रांसमीटर, दीज आर द न्यूरो केमिकल विच हैज टू बी देयर एंड दिस कैन बी पॉसिबल टू एक्टिवेट रेगुलेट ऑल दीज केमिकल न्यूरो केमिकल बाय डूइंग बाय अप्लाइंग बाय दिस प्रैक्टिसिंग ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स। Now, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एक फर्स्ट स्टेप इज नमस्ते मुद्रा फॉलोड बाय द पंकज मुद्रा फॉलोड बाय यू आर सिंपली रोटेटिंग योर हैंड लाइक दिस और ये ऐसे करके हो गया। देन ये उंगल को ऐसे ट्रायंगल शेप, आपके जो दोनों थम्स हैं वो फर्स्ट जो सेकंड कट है वहां तक आए, इट विल मेक ए लाइक ए ट्रायंगल। नाउ यू आर ट्राइंग टू put this entire Surya Bhagwan under this, in this particular triangle. Once you are conscious of how to put that Surya Bhagwan in this particular triangle, obviously your calcium, your vitamin D will go up because you are very, very conscious about it. You are emotionally attached with the Bhagwan, Surya Bhagwan. Your, aapka dil, aapka hirde, aapka dimag, sab kuch us attention mein lag gaya. And you can have a very good content or the quantity of the vitamin D3. Once your vitamin D3 will go up, your calcium level automatically will go up. Need not to worry because our food do have itra content that we can have a very sufficient. Until unless hum kaisi age pe na ho, lactating mother, jo bachchon ko maa doodh pilane wali hai, unko thoda zyada chahiye ho, to unke liye special diet isiliye di jati. Otherwise, the people like us, 50 प्लस वाले जो लोग हैं उनके लिए कैल्शियम इज क्वाइट सफिशिएंट फ्रॉम आवर फूड इटसेल्फ, राइट। सेकंड मुद्रा, देखा मैं टाइम बचा के सेकंड मुद्रा अब इस आई वुड लाइक टू शेयर विद यू बिकॉज़ इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। दैट मुद्रा इज कॉल्ड भगवान श्री राम के जो ब्रदर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो विभीषण जी, इज इट, मैं अगर कहूं तो विभीषण जी ने वहीं एक
ऋषि थे उनको बुलवाया गया, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द सुसेन, ऋषि सुसेन को बुलाया गया। उन्होंने बोला कि इस पर्वत के ऊपर एक मृत एक संजीवनी बूटी हमको लेंगे, तब जाके ये बाबा सेम संजीवनी बूटी हनुमान जी को मालूम नहीं होगा पूरा पहाड़ लेके आए। सेम उस तरह से एक ऐसी मुद्रा है विच इज आल्सो कॉल्ड मृत संजीवनी बूटी, तो नहीं कहूंगा मुद्रा। ऑन द अदर साइड दैट मुद्रा इटसेल्फ इज कॉल्ड हृदय मुद्रा, that mudra itself called apan vayu mudra. So these are the three name of the one single mudra and very very important mudra. Agar koi behosh ho gaya, usko cardiac attack aa gaya, usko asthmatic attack aa gaya, usko epilepsy ka attack aa gaya, mean usko mirgi ka daura pad gaya, usko dil ka daura pad gaya, usko dame ka daura pad gaya, behosh ho gaya kisi bhi wajah, ये मुद्रा करने पे there and then that person will get you know in a very conscious state. This has recently happened. On the other side, ये मुद्रा वो है अगर मेरे को कार्डियक का कुछ अटैक आ रहा, people used to put a sorbitrate tablet sublingual, isn't it? Sublingual में जीभ के नीचे उसपे गोली रख दो, वो थोड़ा सा रख it sublingual, that means sorbitrate से भी तेजी से काम करने वाली ये वो मुद्रा है। I think everybody should have, और मैंने कुछ पोस्टर बनाए थे और that poster was requested specially the people who are practicing allopathic, उन्होंने बोला हमारे वेटिंग हॉल पे ये कुछ मुद्राओं के आप पोस्टर लगा दो, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो उन मुद्राओं को पढ़ें, so that उनका भी भला हो जाए। जब तक वो मेरे पास आएगा मेरा ज्यादा टाइम ना ले, पूरा पॉइंट वो मेरे को बताए, वो भी उसमें मुद्रा थी क्योंकि कंसंट्रेट हो गया वो पूरा, तो वो मुद्रा ये मुद्रा जिसका अपान वायु मुद्रा या मृत संजीवनी मुद्रा या हृदय मुद्रा, ये मुद्रा सबको आनी चाहिए। Whether it is related or not related, even कोई रोड साइड पे भी आपको दिख रहा है और वो अनकॉन्शियस है, स्पेशली मिर्गी का द्वारा पड़ता है तो बेचारे लोग जो है ना उसके पास नहीं करते, तो अगर कभी ऐसा लगे तो यू कैन यूज ऑल दिस काइंड ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल टेक्निक एंड बाय डूइंग ऑल दिस थिंग यू कैन सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन। ऐसा करने से उस बंदे की जीवन, क्योंकि इमरजेंसी तक जाने के लिए एटलीस्ट उसमें होश या उसमें वो आना चाहिए, तो वो आप उसमें ताली बजनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट, ये इट इज नॉट अ मैटर कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, वी मस्ट रिस्पेक्ट समबडी, मेरे को नहीं मालूम था कि मैं अगर पता होता तो हम और जोर से बजाते। तो ये मुद्रा ऐसा कर लेते, इस मुद्रा को कैसे, फर्स्ट फिंगर को फोल्ड किया, दिस फिंगर इज कॉल्ड वायु मुद्रा। लेट मी गो लिटिल बिट अबाउट द आयुर्वेदा। वायु जब जब हमारे शरीर में बढ़ेगी ये ब्लॉकेज का काम करेगी, वायु हमेशा ब्लॉकेज का काम करती है। कोरोनरी आर्टरी 90% ब्लॉक, 30% ब्लॉक, 40% ब्लॉक, इट इज बिकॉज ऑफ एज फार द आयुर्वेदा कंसर्न बिकॉज ऑफ द वात उसका बढ़ गया। मैं मैडम की और नहीं देखूंगा क्योंकि मैं गलत भी होऊंगा तो फिर गड़बड़ूंगा। वायु वायु तत्व उसमें बढ़ जाए तो ब्लॉकेज का काम करेगी, वो मैं बाद में शेयर करूंगा। सो वायु सी दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स फिंगर डिनोट टू एयर तत्व। व्हेन आई एम फोल्डिंग दिस एयर तत्व दैट मीन आई एम डिक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ द वायु एयर इन माई बॉडी, दैट मीन ब्लॉकेज विच हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द वात इन माई बॉडी, और जिसके कारण मेरे को ब्लॉकेज हुआ, जो भी सर्कुलेशन ब्लॉकेज हुआ तो वो कम हो जाएगा, वो निकल जाएगा। अगर ब्लॉकेज है, कार्डियक ब्लॉकेज है, जब वेसल ब्लॉकेज, वेदर इट इज आर्टरीज ब्लॉकेज, इससे फर्क पड़ जाता, बहुत तेजी से फर्क पड़ता, ब्लड सर्कुलेशन विल गेट इन टू ए बैलेंस कंडीशन बिकॉज योर दिस तत्व आउट ऑफ फाइव तत्व योर वायु तत्व इज गोइंग टू गेट बैलेंस एंड बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस
आपके बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंस हो रखा है एक्सेसिव वायु से वो बैलेंस हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टू फिंगर इफ आई गो विद द आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू माई आकाश तत्व एंड पृथ्वी तत्व गोइंग टू अटैच विद द फायर तत्व अग्नि तत्व के साथ मैं अगर जोड़ दूं दिस फॉर्मेशन ऑफ माई दिस फिंगर विल कॉल्ड और कॉल्ड अपान वायु मुद्रा. अगर मैं ऐसे रखूं सी दिस अगर मैं ऐसे रखूं तो दिस मुद्रा इज कॉल्ड अपान मुद्रा. आप इस जगह पे आए हो सम पीपल मे बी अनकंफर्टेबल अनेबल टू सिट ऑन अ चेयर और जब कभी कहीं नई जगह पे जाते हो तो कभी कभी अनकंफर्टेबिलिटी होती है कोई इधर को बैठ रहा है कोई उधर को बैठ रहा है कभी उठ रहा है कभी बैठ रहा. उस केस में किसी भी नई जगह पे आप गए आप अपने आप को अपान वायु में बैठ गए विद इन ए 5 मिनट यू विल फील अ वेरी कंफर्टेबल गुड यू विल सेटल डाउन देयर एंड देन बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग दिस विच अपान. Now, this is the combination of two mudra. One is a vayu mudra, other one is a apan. So that's why in technically it is called apan vayu mudra. On the other side, it is a something which is a very related with our heart. So it is called a hriday mudra or mrit sanjeevani mudra. As I said, somebody got some chakkar aa gaya, wo gir gaya, behosh ho gaya. वो तो नहीं कर सकता ये मुद्रा. अब मैं उसको बोलूं यार उसकी अपान वायु बना दे तो कैसे बनाएगा वो नहीं बना सकता. यू कैन मेक दिस अपान वायु पुट अ टेप ऑन दैट विद इन 5 मिनट उसको होश आ जाए और उसको इमरजेंसी में लेके जाया जा सकता है. और दिस हैज प्रूव्ड नॉट ओनली स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें साइंटिफिकली इट हैज प्रूव्ड यस इट टू हैव बिकॉज ये मेरी फिंगर्स की जो मूवमेंट है it create a some stimulation or a regulation in my nervous system. Or nervous system jo hai aage hormonal system aur hormonal system meri body ki immunity meri theek hogi main theek mere ko dawai khane ki zarurat nahi. So ultimately aim is to enhance our immunity system or rog pratirog shakti ko badhane ka. अगर जिसकी रोग प्रतिरोग शक्ति बढ़ी हुई है उसको कभी किसी बीमारी की जरूरत ना तो किसी दवाई की जरूरत ना कोई ऐसी बीमारी उनके पास आए. तो दिस इज ऑल अबाउट द टू मुद्रा. वन इज विटामिन डी मुद्रा अदर वन इज कॉल्ड अपान वायु मुद्रा और मृत संजीवनी मुद्रा और हृदय मुद्रा. इफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड I am ready to answer you people. Otherwise, my time is over. I think more than over. This tape, I mean, put it. You can put it first. First, you are. Need not to put it here. The first step is to fold this. Once you fold it, put the tape. ये हाथ यही उंगली आपकी हुई है. और 5 मिनट के बाद तो ये this is a very special mudra should be done only in that particular case. जब epilepsy attack. Asthma attack, जहाँ उसको cardiac arrest हो गया. In that case, you can put it. नहीं है तो you can put रुमाल बांध दो. So that I said, ये कोई ये नहीं है कि यहाँ पे touch, your feather touch, बहुत मुलायम touch अगर हो गया ना अपना काम करने. It is a very small feather touch. नहीं ना तो put इसको दबाना. Very fine touch, feather touch. स्पर्श. You can feel, right? Anything else? हाँ मैडम कुछ बोलना चाह रही हूँ. या जैसे बीपी हो इमरजेंसी हो जाता है किसी का इमरजेंसी हम लोग क्या करते हैं? हाँ यू कैन आपने बोला जैसे बीपी लो हो जाता है मैं आपको बीपी लो में ही बताऊंगा और उसी टाइम करना. ये जो रिंग फिंगर है यू फोल्ड इट लाइक दिस एंड within a 5 this the avadhi of this mudra should be 5 to 15 minutes and the name of the mudra is surya mudra. Secondly it should not be done in the summer season. Only high bp wale na low bp wale isko kare high bp wale na kare garmiyon mein na kare 5 minute se 15 minute tak hi kare isse zyada na kare otherwise paseena aa jayega body mein itna heat ho jayega ki you won't breathe.
What else? Any more question? Yes, ma'am. Please carry on. Questions should be carry on, otherwise I am taking it. Yes, जिसका BP high रखा हो. Now, जिसका BP high रखा हो, तो generally जैसे high BP होता है, तो ना you can sit down itself. I can see you or आपकी आवाज की मुद्दा का है. देखिए, BP जिनका high रहता हो, थोड़ा सा water content उनका गड़बड़ हो गया. पहले तो सबसे बढ़िया मुद्रा जिनका BP high, जिनको गुस्सा आता है, जिनको irritation होता है, जिनका चिड़चिड़ापन है, उनके लिए ज्ञान मुद्रा. Put him or her. Ganmudra and see the judge, see the timing, see the or Ganmudra karne ke liye jaise abhi yahan baithe ho, you can put one Ganmudra in section, badi der se akash mudra badi der se ek minute ka 15 20 minutes mere ko dekhte honge, inhone mudra lagayi aur aisa hi laga. It is a good, aur main aapko ek aur mazay ki baat batau. Honorable Prime Minister of India Shri Shri Narendra Modi sahab used to put this Ganmudra more or less 24 hours. एक हाथ से बात कर रहे हैं. हमारे हिंदुस्तान को कोई देखने वाला अगर इधर नजर करेगा तो ऐसे होगा. Yes, mean it, I mean it. और ये मुद्रा के अंदर इतना दमखम है कि कौन सा शब्द मेरे मुंह से बाहर जाएगा ये मेरा कंट्रोल. This mudra do have that kind of power, that शब्द कौन सा आ जाएगा within a second my mind can calculate ये शब्द गलत है इसको नहीं लेना. So this mudra do have a power. As I said, this is a Gyan mudra, this is a mudra for a meditation, this is a mudra to attain the height of the supernatural power. Jo Bhagwan ki aradhana adhyatam ke sabse upar kisi ne agar jana, this mudra is a wonderful mudra. Anything else? Yes, madam. Madam. Sir, I'll give you a mudra specially meant for epilepsy. फर्स्ट यू पुट योर सेल्फ ऑन ए ज्ञान मुद्रा. पहले ज्ञान मुद्रा में करना. जैसे फेस टर्न होगा वो टर्न होना रुक जाएगा. एंड स्पेशली आई गिव यू वन वीडियो विच आई डेडिकेटेड ओनली एंड ओनली फॉर द एपिलेप्सिया वाले लोगों के लिए. आप बाद में मिलना. आई विल गिव यू यू कैन जस्ट ग्रो 15-20 मिनट का जिसके अंदर व्हाट आर द थिंग विच नीड टू बी ईटन. क्या क्या खाना चाहिए, कैसा पानी कैसे पीना चाहिए, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस एंड एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड फॉर एपिलेप्सी. डोंट वरी, आई विल गिव यू. व्हाट एल्स? सर, हार्ट रेट लो हो जाएगा. हां, उसके हार्ट रेट लो हो तो उसके लिए हार्ट रेट मस्कुलर पावर लो. देखिए, एक मुद्रा है जिसको विटामिन मुद्रा मैंने बोला है. तो हालांकि वो मुद्रा आपके लिए भी वो पहले तो मैं कहूंगा कि इनिशिएटिव अगर लिया जाए. सपोज आई एम गोइंग टू अडॉप्ट दिस मुद्रा थेरेपी, माय फर्स्ट मुद्रा हैज टू बी अ ज्ञान मुद्रा. लेट योर माइंड एंड बॉडी गेट इन अ बैलेंस. वंस इट विल गो इनटू अ बैलेंस, स्पेशलाइज्ड मुद्रा फर्स्ट यू डू एटलीस्ट फॉर 1 month दिस ज्ञान मुद्रा एंड आई विल सी टू इट 99% your heart will start working properly. Your muscle of the heart, heart ki muscle special hoti hai, will start, you know, strengthen with the help of this Gyan Mudra itself. Just do it, Gyan Mudra. Thereafter, if there will be some more changes that need to be done, oh, phir main aapko specialized mudra kuch bata. Anything else? Thank you so much. Ah, acha, man, thank you for this. दिस इज कॉल्ड सूर्य मुद्रा. वेट मोर लॉस के लिए, लेकिन गर्मियों में नहीं करना. जिनका बीपी हाई है उनको नहीं करना. मेक इट पक्का कि जिसको वेट लॉस के लिए बोल दिया, पता चला वो हाई बीपी का शिकारी है. और 99% होगा, क्योंकि जिनका शुगर गड़बड़, उनका बीपी गड़बड़, उनका वेट भी बड़ा हो जाता है. मेक श्योर कि ये सारी चीजें कर ले, तब उनको कर ले. यस, इट इज अ वेरी गुड टू रिड्यूस द वेट ऑल्सो. Provided precaution need to be taken. Precaution need to be taken. It is a more or less like a medicine. Yes, sir. So, the Gyan Mudra is but make sure जब आप ज्ञान मुद्रा लगा रहे हैं, बाकी की फिंगर क्लोज हो और ये ऊपर आसमान की ओवर. भगवान आपको जो करेगा वो यहाँ से करेगा. दोनों हाथों में करना
दोनों में एक में भी कर सकते हैं, चलते हुए भी कर सकते हैं, खड़े भी कर सकते हैं, मैं खड़ा हूँ एक हाथ में भी कर सकते हैं। मैंने आपको बड़ा लाइव में बोला नरेंद्र मोदी साहब 24 आवर ज्ञान मुद्रा में रहते हैं, वो सारा दिन तो मुद्रा में करते हैं, वो जो भी काम करते हैं कभी साथ में कभी साथ में जब उनको टाइम लग जाए, लेकिन ही इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर ऑफ ऑल आवर वैदिक नॉलेज के, बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े प्रैक्टिशनर है, और बहुत चेंजेस देखो उनमें, अगर उनकी दिनचर्या देखो तो पीपल बी सरप्राइज कि हम तो 1% भी। व्हाट एल्स सर, एनीथिंग एल्स, नथिंग, थैंक यू सो मच, मैं भी बस पढ़ा रहा हूं। किसी भी गायनो प्रॉब्लम क्योर कर सकते हो उस मुद्रा को आप रेगुलर करते हैं। ये लास्ट में बताऊंगा, मंत्र करूंगा मेरे स्टूडेंट्स जो आर्मी में, आर्मी से रिटायर्ड हुए, आर्मी डिपार्टमेंट वाली फौज ही ऐसी है जिसमें हमेशा